गांव में ये कुआं सूख जाने के बाद यहाँ के लोगों को काफ़ी गंभीर समस्या होती थी पानी को लेकर। ये लोग पानी लेने के लिए दुर्गानगर गांव में जाते थे, जहाँ भी बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। एक विकलांग व्यक्ति पप्पू कुमार, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, और वो पानी की समस्या को लेकर इतने परेशान हैं कि एक तो वो 80% विकलांग है, दूसरे वो आड़े टेढ़े रास्ते से रोज़ाना उन्हें गुजरना पड़ता है। और ऐसे ही इस गांव के 40 घरों के लोग, 150 व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित हैं। बहुत प्रधान भेल, कुछ हमने का ना कहलन, कुछ ना ही कहलन, कुछ यहाँ और तो कहल जाते और तो झगड़ा लड़ाई तैयार कर दे। मैं भैयालाल प्रधान, राजभर, ग्राम सभा जगदीशपुर, थाना चोलापुर, जिला वाराणसी। जी जी, पाइप के लिए तो हमारा गांव इतना दुखी है कि इसका कोई सीमा नहीं। और अब इनके गांव में हैंडपाइप लग चुका है, जिससे वे लोग काफी खुश हैं और अपना जीविकोपार्जन भी काफी आसानी से कर सकते हैं। हमको एक खुशी है कि हमारे जगदीशपुर गांव में हैंडपाइप गड़ गई है। तो लोग के आइए, तो लो मतलब कि हैंडपाइप हो गए बाटे। हाँ। पानी मतलब कि होगा बड़ा। शबनम जी हमारे यहाँ आई, हमसे मुलाकात की और बात की, और टी राम से भी हम लोग बात की, विकास भवन में भी बात हुआ था जी। और लोगों से मिल करके शबनम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हमारे गांव में शबनम आके की है कि शबनम बहुत ही हिम्मतदार लड़की आकर हमारे गांव को जागरूक कर दी, और धीरे धीरे सारा काम अगर ऐसे चलती रहेगी तो हो जाएगा। मैं जब इस गांव में वीडियो बनाने के लिए आई थी पानी की समस्या पे, पानी को लेकर ये लोग काफ़ी परेशान थे, और मैंने जब ये वीडियो बनाया था, मेरे देखने का नज़रिया कुछ और था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे सरपंच की भी नई नियुक्ति हुई, वो लोग भी आए और चले गए, बट ये हमारे ग्राम सरपंच जी बहुत ही अच्छा काम किया, मेरा बहुत ही अच्छा से सपोर्ट किया। मैंने जितनी बार कहा, मेरी हर बात को सुनते गए, और आज इस गांव में बदलाव आया है, यहां पे हैंडपाइप लग गई है। मैं शबनम, वाराणसी ज़िले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।